50 वर्षीय रेणुका त्यागी हर रविवार की तरह अपने मरहूम पति जयराम त्यागी की समाधि पर कुछ वक्त बिताने आई थी। समाधि पर ही रेणुका त्यागी पर गोली चलाई गई। गोली चलाने वाले को मालूम था कि वो उस वक्त वहीं पर मिलेंगे। जी डॉक्टर सिन्हा, विक्टिम की कंडीशन कैसी है? सर, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले विक्टिम की डेथ हो चुकी थी। ये तो मर चुकी है। डिसीज का नाम रेणुका त्यागी था और जो दो लोग उन्हें यहाँ लाए थे वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही है। शायद विक्टिम के रिश्तेदार हैं। सर, सिविल हॉस्पिटल से फोन आया था, रेणुका त्यागी नाम की औरत पे किसी ने गोली चला दी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी है। कुछ पता चला गोली कहाँ चलाई? सर, वो अपने पति की समाधि पे फूल चलाने के लिए कुसारगंज आई थी, वैसे रहने वाली मेरठ की थी। चलो सिविल हॉस्पिटल। जी शिल्पा भाभी। दीप्ति, अम्मा जी को किसी ने गोली मार दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भाभी? कब और कैसे हुआ ये सब? मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता। अम्मा जी आज सुबह घर से निकली थी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही कबीर का फोन आया। चाचा जी और कबीर ने अम्मा जी को अस्पताल पहुँचाया है। अम्मा ठीक तो है ना भाभी? दीप्ति, वो कबीर कह रहा था कि अम्मा जी गुजर चुकी है। नहीं दीप्ति, देखो अभी मत बतारो, मैं और तुम्हारे भैया भी अस्पताल ही जा रहे हैं, तुम भी वहां जल्दी से आ जाओ। जी हाँ। गोली काफी नजदीक से चलाई गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज, हालांकि बुलेट मिले नहीं। हमारा नाम कबीर है साहब, हम अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गजराज मिश्रा हमारे पास दौड़ते हाथते हुआ है। मैं काम जल्दी करो, रात को पानी आएगा और खाद डाल दिया उसके बाद। कबीर, तेरी बड़ी अम्मा को किसी ने गोली मार दी। क्या कह रहे भैया? अरे हम सच कह रहे हैं। किसने कहा तुझे? अरे बड़े मामू जी ने समाधि के पास पड़ी है। चल चल भाग, हम चल दिया। कोई गोली मारे भैया? अरे मालूम नहीं, हमने देखा। फिर हमने तुरंत बाबू जी को बुलाया सर, और कुछ गांव वालों को साथ लेके वहां पे पहुंचे। भाभी, भाभी, बड़ी अम्मी, भाभी अम्मी, बाबूजी, हाँ, बड़ी अम्मा जिंदा बाबूजी, अभी तक सांसें चल रही। अच्छा, चलो जल्दी से भाभी को उठाओ, 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 भाभी की मदद करो, जितना जल्दी हो सका सर, हम बड़ी अम्मा को लेके यहाँ पे आ गए। लेकिन सर, बहुत देर हो चुकी थी, हम भाभी को बचा नहीं सके। इनका कोई बेटा या बेटी? जी हाँ, बड़ा बेटा अजय और बेटी दीप्ति। अजय भैया को हमने खबर कर दिया सर, और शिल्पा भाभी को लेकर घर से निकल चुके। उन लोगों ने दीप्ति को भी बता दिया, वो भी आती है उससे। कबीर, क्या मैं सचमुच रेणुका त्यागी हर रविवार को अपने घर से खुद ड्राइव करके कुसारगंज आती थी, जहां उन्होंने अपने पति की समाधि बनवाई थी, जिनका 10 साल पहले देहांत हो गया था, और अपने पति की समाधि के पास आकर बैठना उन्हें अच्छा लगता था। हर रविवार की तरह अम्मा जी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए घर से सुबह निकली थी। जा रही है? हाँ बेटा। अम्मा, अम्मा पिछली बार आपने आने में बहुत देर कर दी थी, इस बार आप दोपहर के खाने के लिए टाइम से आ जाइएगा। हाँ। आएंगे ना पक्का? हाँ। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाने के टाइम पे आ। ठीक है। Thank you.
तुम्हारी माँ की किसी के साथ कोई दुश्मनी या अनबन थी जिसकी वजह से उन पर गोली चलाई गई हो? नहीं सर, अम्मा बड़ी अच्छी औरत थी सर। पिछले 25 साल से PWD में हेड क्लर्क थी। किसी से कोई अनबन नहीं थी सर। PWD ऑफिस में काम को लेकर किसी के साथ कोई अनबन? तुम्हें जानकारी है इसके बारे में कुछ? अम्मा बड़ी सिंपल औरत थी, सिंपल सा काम था उनका। हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम थी सर। प्रॉब्लम तो थी अजय, तभी तो पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया। कोई तो था जो उनकी रूटीन के बारे में जानता। वो ये भी जानता था कि हर संडे समाधि पर वो अकेली जाते। हत्यारे को हर बात की खबर थी। खबर हो भी तो क्या हुआ सर, फिर क्यों मारेगा अम्मा जी को? उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सीधी सादी औरत थी हमारी अम्मा जी। सीधे साधे लोग ही अक्सर गलत लोगों को चुपते हैं। अजय हो सकता है रेणुका जी का होना ही किसी को खटक रहा हो, पर ना भला कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोली क्यों चलाए? बुलेट मिल गई। चले सीधे साधे आदमी साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सही दिमाग सर, ये गजराज है। नमस्ते साहब। साहब हमारा कोई लेना देना है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो अब कर, चल शुरू कर बोलना पूरा वाक्य बयान। साहब हम खाद लेके लौट रहे थे, वहां से आ रहे थे तो एकदम से गोली की आवाज सुनाई दी। साहब हम रेणुका जी को पहले से जानते थे, कबीर हमारा पड़ोसी है, उनकी बड़ी अम्मा थी वो, तो हम जैसे उनको देखे तो फौरन भागे उसको बताने के लिए। बाइक का नंबर क्या था? सर बाइक का नंबर क्या था? साहब हमने ध्यान ही नहीं दिया नंबर पे। वो क्या था कि गोली की आवाज़ सुन के ना दिमाग एकदम सुन्न हो गया था साहब, तो कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ सुझा ही नहीं हमको। दो लोग चेहरे तो देखे होंगे? हाँ साहब, एक बाइक पर बैठा था और दूसरा भाग के आया और मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और उसके बाद इधर भाग गया साहब ये लोग। कौन थे वो? क्या पहना था उन्होंने? टी शर्ट पहनी थी साहब और गमछा भी था, दोनों के पास गमछा था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब पहचान लूंगा। तो ठीक, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, तब तक गांव छोड़कर मत जाना। गया तो पकड़ के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी यहीं रहते हैं। लेकिन साहब सुनिए ना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब 3.15 बोर के बुलेट का शॉट, ये ज्यादातर राइफल और कट्टे में इस्तेमाल होता है सर। लेकिन जब हमने गजराज से पूछताछ की तो उसने किसी राइफल का जिक्र नहीं किया, मतलब कट्टे का इस्तेमाल। लगता है पेशेवर खूनी थे, जरूर किसी ने सुपारी दी होगी। एक 50 साल की औरत को मारने के लिए दो लोगों को सुपारी, ऐसे भी क्या दुश्मन? सर रेणुका जी PWD में काम करते हैं, शायद उनके काम से जुड़ा हुआ कोई नहीं। पुलिस का कहना है कि अम्मा जी को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी, लेकिन बड़ी अम्मा को मार के किसी को क्या मिलेगा? इस बात में कोई शक नहीं था कि दोनों पेशेवर हत्यारे रेणुका त्यागी की हत्या के इरादे से ही वहां पर आए थे। लेकिन ये हत्यारे थे कौन, किसने उन्हें भेजा था और रेणुका त्यागी की हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? जी मैं तो रेणुका जी की डेथ की खबर सुनकर बहुत शॉक हो गया। बहुत भली औरत थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। हो सकता है उनके काम से किसी दूसरे के काम में अड़चन आ रही हो। ऑफिस में एग्जैक्टली उनका काम क्या था? सर वो इस ऑफिस की हेड क्लर्क थी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऑनेस्ट। कोई तो है जिसको उनकी मेहनत और ऑनेस्टी खटक गई। प्रोफेशनल हत्यारे को हायर किया गया,
रेणुका जी कहाँ आती जाती थी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई, फिर पूरी प्लानिंग के साथ उनका मर्डर किया गया। आप हमें ये बताइए कि उनकी ऑनेस्टी किसको खटक रही थी? जी मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, रेणुका जी का जॉब बहुत लिमिटेड था, सिर्फ क्लैरिकल जॉब था उनका। उनके पास किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या अप्रूव करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। स्टाफ में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई तूतू मैम? जी नहीं सर, वो पिछले 25 सालों से हमारे लिए काम कर रही थी। आप स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ लीजिए, सब उनके बारे में अच्छा ही कहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जो उन्हें इतने भयानक अंजाम तक ले जाए। सर प्रोफेशनल फ्रंट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कोई उन्हें मारना चाहे। तो फिर वो कौन है जिसने उन्हें मारा? अब कट्टा तो साहब आपको भी मालूम है कि आजकल रद्दी के भाव में मिलते हैं, और आजकल छोटे मोटे डीलर्स इतने हो चुके कि ये बताना मुश्किल है कि किसने कट्टा किससे लिया होगा। हो सकता है कुसारगंज या उसके आसपास के इलाके से कट्टा खरीदा गया हो। उसकी छानबीन तो अभी चालू है सर, और आप बता रहे थे कि किसी ने पंटरों को भागते हुए देखा था, ये हत्यारे हिस्ट्री शीटर भी हो सकते। मुझे मत देख, फोटो देख। इनमें से है कोई? नहीं सर। ना किसी अननोन नंबर से फोन आया और ना ही किसी पर्टिकुलर नंबर पर ज्यादा देर तक बात हुई। मुझे नहीं लगता कि रेणुका जी को किसी से धमकी मिली। भला ऐसे ही रेणुका त्यागी को कोई क्यों मारे? सर ये भी तो हो सकता है कि टारगेट कोई और हो और गलती से गोली रेणुका जी को लग गई हो। इस बात के चांस बहुत कम, क्योंकि गोली बहुत ही क्लोज रेंज से चलेगी। हाँ लेकिन पीठ पे, हो सकता है कातिल चेहरा ना देख पाया। हाँ पर इतने पास आकर कोई गलत टारगेट पर गोली क्यों चलाएगा? पॉसिबल नहीं। अगर रेणुका जी ही टारगेट थी तो बात फिर वहीं आकर हो जाती। तो रेणुका त्यागी किसने मारा? पक्की रेणुका त्यागी की किसी से क्या दुश्मनी थी? कोई प्रोफेशनल एंगल सामने नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें मारने का मकसद। आखिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और रेणुका त्यागी के करीबी लोगों की जांच पड़ताल शुरू की। मैं एक प्राइवेट फर्म में सेल्स मैनेजर हूँ। 10 साल पहले पिताजी की डेथ हुई थी। अम्मा को काफ़ी समय लगा था उससे उभरने में। उन्हीं की याद में कुसारगंज के पास एक समाधि बनवाई थी अम्मा ने। वहाँ जाकर काफ़ी बैठती थी। वहाँ जाकर उन्हें लगता था कि बाबूजी आसपास ही हैं। काफ़ी सुकून मिलता था उन्हें। परिवार में किसी के साथ किसी तरह की कोई अनबन? नहीं सर। कबीर आपके सगे चाचा का लड़का है। आपके चाचा राजेंद्र और आपके फादर के बीच जमीन जायदाद को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था? जी नहीं सर। अच्छा संडे सुबह जब रेणुका जी समाधि के लिए निकली तो किसी बात को लेकर परेशान थे? जी बिल्कुल नहीं। अम्मा जब भी बाबूजी की समाधि पर जाती थी तो उनका मूड काफी अच्छा रहता था। उन्होंने कहा था वो दोपहर के खाने तक लौट आएगी। नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है संभाल के जाना। इस केस में अभी तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। रेणुका जी की मौजूदगी से किसे नुकसान हो रहा था और उनके जाने के बाद किसे फायदा हो? सर अजय का कहना है कि घर में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अजय इकलौता बेटा है और रेणुका जी के मरने के बाद अब जो कुछ भी है वो सब उसी का है। ये भी तो हो सकता है दोनों भाई बहन के बीच बराबर बटे। कुछ पता है दोनों भाई बहन के बीच अनबन थी या नहीं? हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ, रेणुका जी की बेटी। जी दीप्ति जी कहिए। अम्मा के खोने का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। क्या आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं इस केस में? कोई भी ऐसी बात जो हम नहीं जानते और आप जानती हैं? सर अब मैं क्या बताऊं? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि
अम्मा को भला कोई क्यों मारना चाहेगा? ये तो बड़ा सवाल है, इसी का जवाब मिल गया तो सारे जवाब मिल जाएंगे। सर मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है, थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस है, दीप्ति की बात छिड़ी और उसका फोन आ गया। चलो जब बात छिड़ी चुकी है तो इस एंगल से भी टकराव कर देंगे। रेणुका जी की मौत से दोनों भाई बहन को फायदा हुआ या फिर किसी दुबे? जरा पता लगाओ इन दोनों भाई बहन के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी क्या? फिर अंडरस्टैंड सर, अजय और दीप्ति के फोन रिकॉर्ड में सांठगांठ वाली कोई बात नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा नंबर जिससे ये लोग रेगुलर टच में रहते हो। दुबे, जो इतनी एहतियात के साथ जाल बुन रहा हो वो फिजूल में खुनी से कांटेक्ट क्यों करे? रेणुका त्यागी का हर संडे को समाधि पर जाना, उनका वहां अकेले होना, ये जानने के बाद उसने खूनी से कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि मौत का दिन तय, जगह और वक्त तय। रेणुका त्यागी का समाधि पर आना, अकेले आना, मतलब प्लानर का प्लान कामयाब होना तय। चलते में हुआ तो सर ये समाधि भी कुसारगंज से दूर दराज इलाके, बहुत सुनसान जगह है वो, आसपास बस एक शमशान है, लोगों का आना जाना भी नाके बराबर है वहां। अगर ऐसी बात है तो रेणुका त्यागी के सेल फोन की लास्ट लोकेशन वही है और शायद कातिल के फोन। राइट सर, शायद कोई लिंक मिल जाए। दुबे काम करो, लोकेशन लिस्ट निकलो और देखो उस एरिया में उस टाइम पर कौन कौन से फोन एक्टिव, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिले। सर रेणुका जी समाधि के पास मौजूद थी तब उस इलाके में टोटल 11 नंबर एक्टिवेट थे, एक रेणुका जी का था, एक गजराज का था और 8 गांव वालों के थे। पर सर एक नंबर ऐसा है जो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, ये किसी सागर चौधरी के नाम पर और एक कुसारगंज का नहीं। कौन है सागर चौधरी? सर कोई झरनाबाग का रहने वाला। झरनाबाग कुसारगंज से लगभग 45 किलोमीटर दूर है ना? हाँ सर। और सर रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो उस इलाके में टोटल 8 मिनट करना चाहता है, यानी गोली चलाने के लिए पूरा टाइम। दुबे तुम्हें कहा अपनी एक टीम लेकर झरना बांध बात करो इस सागर से, देखते हैं सागर मंथन से अमृत निकलता है या फिर सहर। हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। अम्मा के खूनी का कुछ पता चला? लगता है इस केस को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद आप ही हैं, या फिर हो सकता है ये जानना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सर मेरी माँ थी, मैं जानती हूँ कि आप हम सब पर शक कर रहे हैं, मेरे भी मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि अम्मा की जान उसी के परिवार में से कोई ले सकता है? आपकी फैमिली में से कौन ले सकता है उनकी जान? ये
यकीन के साथ तो नहीं कह सकती सर, दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। सागर चौधरी, ये नाम पहले कभी सुना है आपने? नहीं, कौन है वो? झरनाबाग का रहने वाला है। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि लोहा आता है। झरनाबाग? जी हाँ। मेरी भाभी शिल्पा का मायका भी झरनाबाग में। मुझे पहले से ही डर था, घर का ही तो कोई इन्वॉल्व नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी भला ऐसा क्यों करेगी? पूरे 5 दिन हो गए पर वो अब तक घर नहीं आए। उसका फोन भी स्विच ऑफ है, तुम्हारा उससे बात करने का मन नहीं करता? करता है ना साहब, पर क्या करे जब पति फोन उठाना बंद कर दे तो। और वैसे भी वो हमारी सुनते कहाँ है, खेत में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, तब जाके कुछ भूखी सूखी हाथ लगती है। अब जब वो आए नहीं है तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए। अगर वो आए या फोन करे तो सबसे पहले हमें खबर कर, नहीं तो हमें दोबारा आना पड़ेगा खबर लेने। जी साहब। वाला लॉज है ना, उसी में छिपकर बैठा है सागर चौधरी। और दूसरा तीर? बिल्कुल सही खबर है वो, ये जो शिल्पा त्यागी है ना, रेणुका जी की बहू, इसी गांव में रहती है और वो सागर को भी जानती है सर। तो क्या दोनों के बीच कुछ चक्कर वक्कर? दोनों के बीच में कुछ चक्कर वक्कर नहीं है, ये जो सागर चौधरी है वो खेत मजदूर है और वो शिल्पा के बाप के खेत में काम करता है बस। कड़ियां जुड़ने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि साजिश का ये जाल घर के अंदर ही बुना गया था। क्या वाकई में ऐसा था या किसी और के कंधे से बंदूक चलाई गई थी और मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा था। तोड़ ले। हिलने की कोशिश भी की ना तुम दोनों की समाधि यहीं बना दूंगा। ले चलो। पहचान, ये दोनों थे वो। हाँ साहब, यही थे। नितिन। एक साकार, मेरा टाइम बिगाड़ेगा तो तेरी बॉडी का पूरा नक्शा बिगाड़ दूंगा। मैं ये जान चुका हूं कि तूने ही रेणुका त्यागी को मारा है। मुझे अब ये बता क्यों और किसके कहने पर। बोल। अजय, मैंने कुछ नहीं किया। अजय, मैं कसम खाती मैंने कुछ नहीं किया। अजय प्लीज मुझे समझाओ। अजय, अजय समझाओ। मुझे पहले से ही भाभी पर शक था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही सोचना गलत है। यकीन ही नहीं होता कि भाभी अम्मा के साथ ऐसा कर सकती है। इतनी पागल मत बनो, कुछ नहीं किया शिल्पा ने, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो आदमी पकड़ा गया है, भाभी के ही गांव का है, और काफी वक्त से भाभी के मन में यही सब चल रहा था। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग असली खूनी को पकड़ नहीं पाए इसलिए हमें फंसा रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया है। सागर चौधरी ने कबूल किया है कि तुमने ही अपनी सास को मारने के लिए ऐसे पैसे दिए। कुछ याद आया शिल्पा जी? लेकिन हमारे अकेले का काम नहीं है ये, एक और आदमी लगेगा और बंदूक भी खरीदना होगा, खर्चा होगा। कितना? 25 से 30 हजार रुपए।
ठीक है, हम इंतजाम करते हैं। अगली बार जब हम मायके आएंगे तो तुमसे यहीं पर मिलेंगे। चलते हैं। एक मिनट रुकिए, रहा नहीं जा रहा है इसलिए सोचा पूछ लें, आप अपनी सास को मारना क्यों चाहती हैं? तुमने अपनी सास को क्यों मरवाया? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? यार तुम बार बार वही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? कहां से लाऊं मैं और पैसे? यार मुझे पता है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो देखने ही नहीं चाहिए। तुम बस फिलॉसफी झाड़ते रहो, कुछ करना मत। अरे और क्या करूं यार, मेहनत कर तो रहा हूं, जो कमाता हूं घर पे ही तो ला कर देता हूं। यही तो मुश्किल है ना, ये घर अकेले तुम्हारे पैसों से चलता है। अम्मा जी भी कमाती है, इसी घर में रहती है, पर कभी भी हमारे लिए इस घर के लिए एक पैसा नहीं खर्चती। मैं जानता हूं शिल्पा, ये घर ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अम्मा जी ऐसे ही है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये गलत है ना, अगर अम्मा जी दीप्ति के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम नहीं कहोगे लेकिन हम कहकर रहेंगे। देख बेटी, अगर हम नहीं होते तो घर के खर्चे कैसे चलते? अजय के पैसों से ही ना, तो वैसा होना भी चाहिए, वही सही है। अपने खर्चे कम करोगी ना तो पैसे कभी नहीं कम पड़ेंगे। अम्मा आप अपनी ज्यादातर कमाई दीप्ति की जरूरतें, उसकी खुशियों को पूरा करने में खर्च कर देती है। आप कभी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, सिर्फ हमें टोकती है। क्या ये सही है? और आपकी कमाई से जो बचता है वो भी आप अलग से जमा कर रही है, और हम जानते हैं आपके बाद वो सारी जमा पूंजी भी दीप्ति को ही मिलेगी। पर हमारा क्या, कभी सोचा है आपने? वाह शिल्पा, तुम बड़ी दूर की सोचती हो। हमारे जाने के बाद हम किसे क्या देंगे इसके बारे में भी तुमने सोच के रखा है? अम्मा हमारा ये मतलब नहीं था, पर जरा आप ही सोचिए, घर का सारा खर्चा अजय के पैसों से चलता है। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम घर का खर्चा चलाते हैं। और ये घर आपका भी है, अगर इसके खर्चे निकालने में आप मदद कर भी देंगी तो इसमें क्या गलत है? आखिर क्यों आप इतना फर्क करती अपने बेटे और दीप्ति में? देखो शिल्पा, हम कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, और अजय जो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, निभाने दो उसे। और रही बात दीप्ति की, तो उसे जलो मत, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, ये तो जिंदगी भर पछता। हमें कभी समझ में नहीं आया कि आखिर वो हमारे साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों करती थी। अपने खुद के बेटे के साथ कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जब से शादी करके आए यही सब सहते आ रहे थे, पर अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हमारी समझ में आ गया था कि वो कभी भी कुछ भी हमें नहीं देने वाली, सब कुछ उनकी बेटी दीप्ति को मिलेगा। हम डर गए थे शायद वो उस घर को भी हमसे छीनकर अपनी बेटी दीप्ति के नाम कर देगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, इसलिए हमने उन्हें मरवाने की ठान ली। सागर को देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हमने अपने गहने बेच दिए, जिसके हमें 30,000 रुपए मिले वो हमने सागर को दे दिए। यानी रविवार की सुबह रेणुका जी जब अपने पति की समाधि के लिए निकली, तब तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो घर को भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, हमें तो बस यही सोचकर तसल्ली हो रही थी कि अब वो जा रही है हमेशा के। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। मैं खाने के टाइम पे आ रही हूँ। संभाल के जाइएगा। हाँ बेटा। उनके जाते ही हमने सागर को फोन किया। हम जानते थे बाबूजी की समाधि पर वो अकेले ही जाती है और कोई नहीं होता उनके साथ। सब कुछ सोच रहे हाँ, हमने ही किया ये सब, हमने ही मरवाया उन्हें।
क्या अजय भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था? जी नहीं। शिल्पा, माँ जो करती थी वो सही नहीं था, लेकिन माँ हमेशा से ऐसी थी। कितनी बार समझाता तुमने क्यों किया था शिल्पा? जीना मुश्किल हो गया था, हमें समझ नहीं आता कि कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो तुमने किया वो उससे भी घिनौना था। हम मानते हैं अजय, लेकिन हम क्या करते? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर दे, पर हम हमेशा घुटते रहे। भाभी को अगर डर था कि अम्मा अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगी तो एक बार उन्होंने मुझे बताना तो चाहिए था। अम्मा की जान लेकर उन्हें क्या मिला? दीप्ति, क्या तुम्हें सच में ऐसा कभी नहीं लगा कि अम्मा तुम में और हम में फर्क करती थी? तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती थी, लेकिन बात जब मेरी या शिल्पा के बारे में हो तो उनका हाथ कभी देने के लिए नहीं उठता था। भैया, वो अम्मा की अपनी मेहनत की कमाई थी, वो जिसे चाहे देती। अम्मा हमेशा हमें नजरअंदाज करती थी, कभी हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। अम्मा तुम्हारी सुनती थी, अगर तुमने उन्हें समझाया होता तो शायद आज ये सब ना होता, पर तुमने भी कुछ नहीं किया। भैया, अब मुझे या किसी और को दोष देने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही और भाभी ने ये जुर्म करवाया है और उन्होंने जो भी किया गलत किया। कोई भी दलील इस सच को नहीं बदल सकती। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। शिल्पा, सागर चौधरी और उसके साथी नागेश पांडे के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। शिल्पा को बेल मिल चुकी है, लेकिन सागर चौधरी और नागेश पांडे अभी न्यायिक हिरासत में है। किसी एक अपने के साथ ज्यादा लगाव और दूसरे के साथ एक मुकम्मल दूरी, क्यों इंसान कभी कभी अपनों के बीच भी इस तरह का फर्क करता है? लेकिन क्या हर किसी के साथ एकदम सटीक और नपातुला बर्ताव मुमकिन है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले? शायद नहीं, क्योंकि ये तो इंसान के नजरिए पर निर्भर करता है और ये इंसानी फितरत है, अक्सर दूसरे की थाली में ज्यादा ही नजर आता। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमेशा अन्याय होता आया, उसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर भी ये शिकायत, ये वजह कभी भी जायज नहीं हो सकती कि इंसान सब कुछ दरकिनार करके किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर उतारू हो जाए। जब मन में किसी के प्रति घृणा, असंतोष, अविश्वास पनपने लगता है तो समाधान की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, और इसके लिए किसी दूसरे इंसान की जान ले लेना ये तो हरगिज किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। रात के सन्नाटे में किसी ने एक नाले में कचरे जैसा कुछ फेंका था, लेकिन क्या उस प्लास्टिक बैग में सच में कचरा ही था या फिर किसी की जिंदगी बंद थी?
अच्छा लगता है भाई। पुलिस को बुलाए क्या? हाँ हाँ बुला लेते, क्या पता किसी ने मार के फेंक दिया। आपको फोन किया था साहब। हाँ है सब, वो प्लास्टिक के बैग में साहब। हटिए आप लोग, साइड हो जाइए। सर ये तो किसी बच्चे का पैर लगता है, ड्राइवर्स को बुलाओ। ये तो बहुत छोटा बच्चा है सर, मुश्किल से 6-7 दिनों का होगा। लड़की है सर। एक नवजात बच्ची को मारकर गंदे नाले में फेंक दिया गया। उस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लड़की थी, कोई था जो बेटी नहीं चाहता था। अब पता ये लगाना था कि वो कौन था जिसने इतनी बेरहमी से एक बच्ची की जान ली थी। इस बच्ची का पहले गला दबाया गया, फिर इसे नाले में फेंका गया। इसे मारने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई होगी क्योंकि एकदम नवजात बच्ची थी, इसे मारे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सोच समझ कर मारा इसे, क्योंकि ये बच्ची जब हमें मिली थी तो उसके बदन पे ना कोई कपड़ा था ना कोई निशानी थी। सर जिस प्लास्टिक बैग में हमें बच्ची मिली थी, हो सकता है उस बैग से हमें कोई सुराग मिल जाए। एक मिनट, इसके अंदर कुछ है। ये तो कोई बिल लगता है सर। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ। MG सर, हो सकता है किसी मेडिकल स्टोर का बिल, क्योंकि बच्ची का जन्म अभी अभी हुआ था तो हो सकता है उसके लिए कुछ दवाइयां मंगाई गई। TRN चार शब्दों से बना नाम है। हमें बच्ची की लाश बोरीवली के पास वाले नाले में मिली थी, शायद आसपास के मेडिकल स्टोर में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। या आसपास ऐसे नाम की कोई मेडिकल शॉप है? पता नहीं सर, सिर्फ चार अक्षर समझ में आ रहे, TRNE, क्या हो सकता है? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। TRNE सर, ये जो TRNE है ना, ये स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइफ मेडिकल स्टोर? हाँ साहब, जो सेवाकृति हॉस्पिटल के पास है, 99% ये वही का है साहब। जी सर, ये हमारी दुकान का है। ये देखिए, आप बता सकते हैं बिल किसके नाम पर है? बच्चे की दवाई का बिल है ना सर? जी, हमें एक बच्ची की लाश मिली, ज्यादा दिन नहीं हुए। ये देखिए सर, ये वाला, ये दोनों मैच करें सर। पेशेंट का नाम रश्मि लिखा। क्या बता सकते हैं किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये? सर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मेघना दातार, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मुझे इस बिल की कॉपी चाहिए। चलिए, थैंक यू। रश्मि मेरी पेशेंट थी, अभी 6 दिन पहले ही उसने एक लड़की को जन्म दिया था। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसकी बेटी के लिए लग कर दिया था, पर हुआ क्या है? हमें एक बच्ची की लाश मिली है, उसके साथ ही ये प्रिस्क्रिप्शन मिला था।
ये उसकी तस्वीर। ओह माय गॉड, रश्मि उसकी माँ और बहन के साथ बच्ची को लेकर कल सुबह ही चली गई थी। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा, जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। रश्मि मनोज सिंह, बिहार चौक, किरगेवाड़ी। कितनी प्यारी और हेल्दी बच्ची थी वो। कोई उस मासूम को मारकर नाले में कैसे फेंक सकता है? जिस हालत में वो बच्ची मिली थी उसके बारे में कुछ भी पता कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब पुलिस ने पता लगा लिया था कि उस बच्ची का जन्म कहाँ हुआ था, उसकी माँ कौन थी और उनके पास घर का एड्रेस भी था। किसी रश्मि मनोज सिंह नाम की औरत को जानते हो? रश्मि मनोज सिंह? हाँ। नहीं सब नहीं सुना। हमने ऑलमोस्ट सभी दुकानों में पता कर लिया है, लेकिन इस औरत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर मुझे चार औरतों के बारे में पता चला है जिन्होंने पिछले 10 दिनों में बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम रश्मि मनोज सिंह नहीं है। लगता है इस औरत ने हॉस्पिटल में अपना झूठा एड्रेस दिया है। यह भी तो हो सकता है कि उसने नकली नाम बताया हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण किया हो और उन्हें पहले से ही पता था कि लड़की होने वाली, और वो लोग लड़की नहीं चाहते थे, इसलिए तो हॉस्पिटल में अपना नाम और पता गलत दिया था। हाँ सर, ये हो सकता है। अगर उन लोगों ने बच्ची के होने के बाद उसे मारने का मन बनाया होता तो हॉस्पिटल में गलत नाम नहीं लिखवाते। अगर इस बात को हम लोग मानते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो नाम सही है और एड्रेस गलत है, या तो एड्रेस सही है और नाम गलत, या फिर नाम और एड्रेस दोनों गलत। गडनेस, उस एरिया की जितनी भी खबरी है सबसे बात करो। वो औरत अगर उसी एरिया की तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालो। एक बात और है सर, नाले तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रिक्शा या टैक्सी तो जरूर ली होगी। सर मैं उस एरिया के सभी रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों से ही बात करता हूँ, ठीक है? गली नंबर 256, पांचवी गली के पीछे। बोले तो एक फैमिली है उधर। नाम वही है? नहीं साहब, उस औरत का नाम रेवती कराड़े। लेकिन साहब कुछ तो झोल लग रहा है मुझको। मैंने उनके पड़ोसियों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि काफी महीने पहले वो लड़की पेट से लग रही थी। नहीं अभी एकदम ठीक है साहब। और कुछ? और कुछ नहीं। हाँ, उस रेवती की माँ और बहन भी वही उम्र की है जो आप बता रहे थे। ठीक है। जनगणना विभाग से आए, आपके घर में कौन कौन रहते हैं उसकी जानकारी चाहिए। आपका नाम? जी नंदा कराड़े। उम्र? 52 साल। घर में और कौन कौन रहता है?
जी, वो मेरी बड़ी बेटी रेवती कराड़े। और ये मेरी छोटी बेटी प्रणीता कराड़े। घर में कोई छोटा बच्चा भी है? नहीं सर, बच्चा नहीं है। आपके पति का नाम? दामोदर कराड़े। वो कहाँ है? वो अपने गांव गए हैं। कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? काफी समय से रह रहे साहब। जैसे कि वो रेवती गोद में थी तभी हम यहाँ आए थे। तब तो रेशन कार्ड भी होगा आप लोगों के पास। हाँ, आए ना सर। अच्छा, वहाँ पे काम हो गया है? हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या रश्मि मनोज सिंह यही है जिसने उस बच्ची को जन्म दिया था? उसकी माँ और बहन है। आप इसे दवाई टाइम पे दे दीजिएगा। जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। यस। सबके नाम इधर रेशन कार्ड में है ना? दूसरी चौल के घरों की जनगणना हो गई है। मुझे अभी अभी मैसेज आए हैं कि हमें बिल्कुल सही जानकारी मिली है। वैसे नंदा जी, आप श्योर है ना कि इस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं? क्या बात कर रहे हैं साहब, अगर बच्चा होता तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलती? वही तो हम जानना चाहते हैं। कौन है आप लोग? आपकी बेटी रेवती ने 6 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। क्या बकवास कर रहे? बकवास नहीं, पक्की जानकारी है हमारे पास। जी, लेकिन 6 दिन के बच्चे के बारे में जनगणना में कैसे आ सकता है? बच्ची कहाँ है? कौन है आप? मैंने पूछा बच्ची कहाँ है। कौन है आप लोग? निकल जाए घर से। पुलिस वाले हैं हम। जी, वो मालिश पति के घर। इतना तो हम भी जानते हैं कि 6 दिन की बच्ची को मालिश के लिए कोई घर के बाहर नहीं भेजता। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप लोगों में से किसने उस मासूम की जान ली? नाटक बंद करो। नहीं साहब, नाटक नहीं साहब, मेरी बात पर भरोसा कीजिए साहब। हमारी बच्ची को किसने अगवा किया था और धमकी भी दी थी, अगर पुलिस को बताएंगे तो मार डालेगा उसे। ये सब कैसे हुआ साहब? हे भगवान, हमारी बच्ची। तुमने तो बोला था कि मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डालो। मेरी बच्ची को किसने मार डाला? अब मुंह खोल दो और सब कुछ सच सच बता दो। झूठ बोलने के पहले ये सोच लेना कि तुम कहां खड़ी हो। रेवती, अब आंसू बहा रही हो? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? तुम लोगों ने उस लड़की से छुटकारा पाने का पहले से ही मन बना लिया था, इसलिए तो हॉस्पिटल में झूठा नाम और एड्रेस दिया था। क्यों? इसलिए वो एक लड़की थी। इसलिए कहा है तुम्हारा पति उस बच्ची का बाप? बाप जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका नाम है किशन गोसाई। किशन गोसाई मेरे पति दामोदर कराड़े के साथ राशन की दुकान पर काम करता था, हमारे पड़ोस में रहता था, बातचीत में बहुत अच्छा था और अक्सर रेवती के पापा के साथ हमारे घर आया करता था।
भगवान ही जाने वो कब रेवती को अच्छा लगने लगा। तुम बाबा तो घर पे नहीं है, आई भी काम से बाहर गई है और प्रणीता भी घर पे नहीं है। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ अंदर आओ ना। वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे दिल में वैसा कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूं। पापा खाना आ गई तो अच्छा बाबा मैं चलती हूँ। हाँ संभाल के जाना। दामोदर काका क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। अरे यार बहुत सारा काम है। दो मिनट में आता हूँ ना, जल्दी आना। हाँ घर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम गुस्सा हो, मुझे थोड़ा सा डर गया था। तो गलत निकला ना तो मैं तेरे चमड़े उतार लूंगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, आपकी बेटी रेवती मां बनने वाली है। करोगे? इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। अरे तो इससे क्या पूछ रही है? इसने ये गंदा काम किया है तो इसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो इसी की है ना? काका, मैं मेरे रेवती से प्यार करता हूँ काका, उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन शादी के लिए मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। तो चंडी जाकर बात करना बेटा, हमारे पास उतना वक्त नहीं है।
वो हमेशा फोन करके यही कहता था कि उसकी माँ मान गई है और वो जल्द से जल्द आकर मेरे रेवती से शादी करेगा। यही कहते कहते 3 महीने बीत गए साहब। देख लेना, वो वापस नहीं आएगा। अब तक तो किसी को पता नहीं चला, आखिर कब तक छुपाएंगे इसका ये पेट? लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। इस वक्त अबॉर्शन करना ठीक नहीं है, 4 महीने हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम अबॉर्शन करते हैं तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझ पर, थोड़ा सा डर गया था। मैं रेवती से प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरे पति घर छोड़कर चले गए, वो लोगों के ताने गालियां सुनना नहीं चाहते थे साहब, और किशन का तो कहीं पता नहीं था साहब। रेवती को घर में बंद करके रखा था साहब, ताकि लोगों की नजर उस पर ना पड़े और किसी को पता ना चले कि ये पेट से है। लेकिन साहब कुछ तो करना था ना, क्योंकि बच्चा होने के बाद सबको पता चल जाता। आई, दीदी के बच्चा होने के बाद हम लोगों से क्या कहेंगे? आई, मुझे ये बच्चा चाहिए। आई, और तू लोगों से क्या कहेगी? इस बच्चे का बाप तुझे कुमारी माँ बनाकर भाग गया? आई, मैंने किशन से सच्चा प्यार किया था, मैं क्या जानती थी कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुझे इतना तो समझना चाहिए था कि शादी से पहले किसी से संबंध नहीं बनाते। अरे लोग तुझ पर थूकेंगे, गालियां देंगे, दुनिया चाहे चांद पर चली जाए, मगर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले औरतों पर ही उंगली उठती है। हम इसे किसी दूर के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, वहां पर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि ये कौन है, इसका असली नाम भी नहीं बताएंगे। घंटे में डिलीवरी होनी चाहिए, लेबर पेन भी जल्दी से ही शुरू हो जाएंगे। तो तुमने बच्ची को मारने का मन पहले से ही बना लिया था? नहीं साहब, जब बच्चे होने वाली थी ठीक उसके पहले किशन ने फोन किया था। बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। बेटा, तुम कब आ रहे हो? कहाँ हो तुम? रेवती अस्पताल में। उसे बच्चा हो गया? नहीं, मगर किसी भी वक्त हो सकता है। देख किशन, भगवान के लिए वापस आ जाओ बेटा। मेरी रेवती से शादी करके अपने बच्चे को अपना नाम दे दे बेटा। देख, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या? मैं उस बच्चे को अन
अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आती हूँ और तुम दोनों शादी के बाद उसे खोद ले लेना। किशन, तुम सच में वापस आ रहे हो ना? या हमें बहला कर धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। किशन का क्या कहा उसने? वो आ रहा है ना? सिर्फ 6 दिन की थी जब तुम उसका गला दबा रही होगी। उस मासूम ने तो शोर भी नहीं मचाया होगा और किसी को यह भी नहीं पता चला होगा कि तुमने कितना घटिया काम किया है। बच्ची सिर्फ 6 दिन की थी जब तुम उसका गला दबा रही होगी। उस मासूम ने तो शोर भी नहीं मचाया होगा और किसी को यह भी नहीं पता चला होगा कि तुमने कितना घटिया काम किया है। किशन ने तुमसे कहा था कि वो रेवती से शादी करेगा, फिर तुमने बच्ची को क्यों मारा? भाई, मैं जानती थी वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगा। रखो बेटा, तुम बाप बन गए हो। लड़की हुई है या लड़का? घर में लक्ष्मी आई है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेवती पर गई है। हेलो हेलो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। अगर लड़का होता तो मैं फिर भी सोच सकता, लेकिन एक लड़की के साथ मैं रेवती को नहीं अपनाऊंगा। क्या कह रहे तुम? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे कम से कम मेरे बच्चे को किस गलती की सजा दे रहे हो? वापस आ जाओ, मेरे बेटे से शादी कर लो बेटा, वापस आ जाओ। रेवती, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी आई तुम्हारी बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रही है? आई मेरी बेटी को ये कह के लेके गई थी कि वो मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में डाल देगी। क्या पता था मेरी बच्ची को मार डालेगी? झूठ बोल रहे साहब, झूठ मत बोल। हमने जाने से पहले तुझे सब बताया था कि हम तेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तुमने एक मासूम की जान ली जो तुम्हारी नवासी थी, पर रेवती तुम कैसी माँ हो? तुम अपनी ही बच्ची को मार डाला, इसलिए एक ऐसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया, माँ बनाकर भाग गया वो, और जिसने बेटी होने के नाम पर ये साफ साफ कह दिया कि बच्ची के साथ वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। ऐसा आदमी बाप तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं तो सारी जिंदगी बिना शादी के अपनी बच्ची के साथ रह लेती। नहीं साहब, इसको सब पता था। साहब, झूठ बोल रही है। साहब, इसके भलाई के लिए मैंने इसके बेटे को मार डाला। साहब, तुम लोगों को उस बच्ची से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते, कोई उसे गोद लेता, उसे माँ बाप मिलते,
कम से कम उस मासूम की जान तो नहीं जाती। रेवती की मां नंदा और बहन प्रणीता को बच्ची की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कॉमन इंटेंशन के लिए उन पर धारा 34 भी लगाई गई है। हॉस्पिटल में गलत नाम लिखवाने के जुर्म में रेवती को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस किशन को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो बच्ची उनके लिए बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, तभी तो उन्होंने उसे मारकर नाले में फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस तरह उन्हें बच्ची से छुटकारा मिल जाएगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। उनकी जिंदगी फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। और शायद ऐसा ही होता अगर उनकी घिनौनी हरकत लोगों की नजरों में नहीं आती। क्या उस मासूम बच्ची को मारते वक्त उनकी इंसानियत जरा भी नहीं कांपी? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज के जमाने में भी बेटे की चाहत में लड़कियों की हत्या या तो मां की कोख में ही कर दी जाती है, या फिर उनके पैदा हो जाने के बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग वहशत की हदें पार कर जाते हैं। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी हम इस गुनाह के ऊपर रोक नहीं लगा पाए हैं। अक्सर इस गुनाह में साथ देने के लिए परिवार के अंदर के लोग ही खड़े हो जाते हैं। किसी मासूम बच्ची की सांसें छीनने से पहले वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें सांसें कहां से मिली। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख में थे, उन्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया था। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने समाज में बरसों से पनपने वाली इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अगर हम बेटी को लक्ष्मी मानते हैं तो फिर उसके आने पर मायूसी क्यों? अब वक्त आ गया है कि हर बच्ची के जन्म पर भी लोग उतनी ही खुशियां मनाएं जितनी कि बेटे के जन्म पर मनाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भ्रूण हत्या के कानून को इतना मजबूत कर दें कि कोई गलती से भी ये क्राइम करने की हिम्मत ना करे। अब वक्त आ गया है कि हम कन्या भ्रूण हत्या को सिर्फ एक अपराध की तरह ना देखें, बल्कि सबसे बड़े अपराध की तरह देखें, क्योंकि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की नींव इसी अपराध से पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।